पिताजी, कुलकर्णी सरकार अब हमें सचमुच मार देंगे। याद है ना उन्होंने क्या कहा था, जहां सुपारी गिरी वहां निशाना। पिताजी क्यों ना हम शिरडी छोड़ के भाग जाए, वो ढूंढ कर मार देंगे हमें। मुझे ये नहीं पता था कि वो बैरागी त्रंबक की इच्छा शक्ति पे इतना मजबूत बना देगा। अब हमारा मरना तय है, मरने से पहले कोई अंतिम इच्छा हो तो बता देना। पंता जी क्यों ना मरने से पहले हम एक बार तमाशा देख लें। क्या बात है अंता जी, जीवन के आखिरी पलों में आप भी अच्छा सोचने लगे। चलिए तमाशा देखते हैं। मैं केवल तमाशा देखूंगा, कुछ खाऊंगा नहीं। आओ बैठो, आओ आओ बैठो। चलिए पंता जी, बिठाना इन्हें। ठीक है। चल। हो जाएगा। हमें बहुत सारे पैसे मिले हैं, किसी को पकोड़ा खिलाना है, काम हो जाना चाहिए। इसे क्या हो गया, कहीं एमआर तो नहीं गया? अरे इसके मुंह से तो झाग निकल रहा है, कहीं इसने कोई जहरीली चीज तो निकाल ली। इसे सुहाड़ा भाई ने अपने हाथों से पकोड़ा खिलाया था, कहीं इसमें कुछ मिला हुआ तो नहीं था? अरे इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। तुम सही कह रहे हो, जरूर इस पकौड़े में कुछ नशीली चीजें मिलाई गई होगी ताकि हम सब खाकर बेहोश हो जाएं। और ये हमारे रुपए पैसे और जेवरात लेकर 9-11 हो जाए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम सब? ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद तुम्हें खाकर बता सकती हूँ। अरे रुको, अभी तमाशा खत्म नहीं हुआ। ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ। बीमार को अपने साथ लाए और हमें पैसे दिए इसे पकोड़े खिलाने के लिए, ताकि इसे कुछ हो जाए और सोना बाई की मंडली बदनाम हो जाए। अब कौन देखेगा हमारा तमाशा, कितना नुकसान हुआ हमारा तुम्हारी वजह से। अब इस नुकसान की भरपाई भी तुम दोनों करोगे। लेके जाओ इसे। नहीं गुना जी, तुम जाओ उसके साथ, इन दोनों पे विश्वास नहीं है, बड़े ही धूर्त हैं। कहीं इन लोगों ने इसे रास्ते में फेंक दिया तो हम फंस जाएंगे। तुम जाओ इसके साथ और देखो कि ये सलामती से घर पहुंच जाए। तुम अपना ख्याल रखना और जल्दी घर वापस आना।
ठीक है। हमेशा की तरह साई के पास गए होंगे। अरे क्या हो गया इन्हें? अरे कोई कुछ बताता क्यों नहीं? बचा सकते हो साई। मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया। लो कर लो बात। अरे तुम इनसे क्या पूछ रहे हो? आज तक इन्होंने वही किया है जो तुमने कहा है। तुम्हारे कहने पर तो इन्होंने सांप का जहर तक पी लिया है। अब ये वही जहर अपना असर दिखा रहा है। मैं जानती हूँ तुम मेरे पति की जान लेना चाहते थे। साई साहब के कहने पे मैं चुप थी, लेकिन अब मैं और चुप नहीं रहूंगी। हिम्मत रखो गुणवंता, त्रंबक को कुछ नहीं होगा। साई है ना, सब ठीक करेगा। भरोसा रख उस पे। भरोसा भरोसा भरोसा? अरे भरोसा रखने का ही तो ये नतीजा है। विधवा बना देगा मुझे ये। अंदर ले आओ इसे। तो तमाशा देखने वाले को दिया जाता है ना,
बाजू वाले गांव में सोरना भाई की मंडली आई है, कहीं वही तो नहीं गया था? कहाँ से आया, कैसे आया? कल अंतपंता जी से भेंट हुई थी, शायद वहीं से आया। वो सुवर्णा ये तमाशे के बारे में बात भी कर रहे थे। तुम उन्हें कहाँ मिले? अरे इनकी हालत खराब है, मुश्किल से तो ये बात कर पा रहे हैं, और आप लोग इनसे ऐसे पूछताछ कर रहे हैं जैसे ये अपराधी है। मैं तो ये समझती थी कि गुणवंता से शादी होने के बाद तुमने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ दी होंगी। सच सच बताओ त्रंबक, क्या कल रात तुम तमाशा देखने गए थे? और क्या ये कपड़ा तुम्हें कल वहीं मिला? याद है त्रयंबक, मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे कहा था कि अपना वादा मत तोड़ना। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें चाहते हैं, उनका भरोसा बनाए रखना, टूटने मत देना उसे। कसम खाकर कहूं कि कल तुम तमाशा देखने नहीं गए थे, और ये भी कहो कि तुमने कोई भी नमकीन चीज नहीं खाई है। कसम खाओ त्रंबक। भाई, मैं आपकी कसम खाकर कहता हूं कि मैं कोई तमाशा देखने नहीं गया था, और मैंने कोई नमकीन खाना भी नहीं खाया। हे भगवान, अगर आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो कोई इन्हें भी देखो, इनकी जान चली जा रही है। साई, इसकी तबीयत और खराब होती जा रही है। ओ, जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया, महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ साई ओ आ।
मतलब झूठ बोला तुमने। मैं खाना नहीं चाहता था ताई। ताजी और पंता जी के साथ सिर्फ तमाशा देखने गया था। वाह, सुवर्णा भाई ने पकौड़े खिला दिए मुझे। पहले अपना वादा तोड़ा तुमने, फिर झूठ बोला, और झूठ बोलते गए। पहले कहा तुम तमाशे में नहीं गए, तुमने कुछ नमकीन नहीं खाया, और अब बायजा मां की झूठी कसम भी खा ली तुमने। गलती हो गई मुझसे साईं, मैं डर गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। यकीन नहीं हो रहा है, मेरा भाई, मेरे अपने भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। जानते हो त्र्यंबक, जब परिवार का कोई सदस्य बीमार होता है, कष्ट में होता है, तो उसका दुख दर्द उसका पूरा परिवार उसके साथ बांटता है, उसके साथ तकलीफों को सहता है। तुम्हारे लिए बायजा मां ने नमक खाना छोड़ दिया। ये अप्पा जी, ये अपने सारे काम का छोड़कर तुम्हें रोज सुबह यहां ले आते थे। तुम्हारी पत्नी ने इतनी लंबी यात्रा इसलिए की ताकि तुम ठीक हो सको, और मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम्हारे इलाज में कोई रुकावट ना आए। हर समय अपनी नजरों के सामने रखे रहा तुम्हें, लेकिन इसके बदले में तुमने क्या दिया? तुम तो जानते हो ना साईं, मैंने धोखा नहीं दिया। केवल एक ही भूल हुई है मुझसे साईं। सोचो, अगर प्रकृति भी ऐसी भूल करने लगे तो क्या होगा? बारिश के मौसम में वर्षा ना दे और कहे बस एक भूल ही तो हुई। सूर्य ना निकले और कहे सिर्फ एक ही गलती तो है, क्या होगा? तो सबका अपना उत्तरदायित्व तो होता है। कोई भूल कोई गलती छोटी नहीं होती, और तुम्हारी एक छोटी सी भूल कितने लोगों के लिए गलत उदाहरण साबित होगी, कुछ अनुमान भी है तुम्हें? समाज में जितने भी लोग भस्मक रोग से पीड़ित हैं, उनका हौसला टूटेगा, उनके परिवार के लोगों का हौसला टूटेगा। नहीं, ये सिर्फ मेरे या तुम्हारे परिवार की बात नहीं है। तुम तो जानते हो ना भाई, मैंने धोखा नहीं दिया। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने, ताई ने, जीजा जी ने, गुणवंता ने जो कुछ कहा, सब कुछ किया। माफ कर दीजिए साईं, मुझे माफ कर दीजिए। अगर इतनी बड़ी कसम खा कर भी कोई झूठ बोल सकता है, तो मुझे लोगों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। आज के बाद किसी को औषधि नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। अगर इतनी बड़ी कसम खा कर भी कोई झूठ बोल सकता है,
मुझे लोगों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। बस बहुत हो गया। मैं कसम खाता हूं कि अब आज के बाद किसी को औषधि नहीं दूंगा। पिछली बार की तरह शिरडी छोड़ के तो नहीं चले गए साई? नहीं साई, ऐसा नहीं कर सकता। उसने अपनी माँ को वचन दिया था, औरों की तरह नहीं है कि अपने वचन का मान न रखे। मैं उसे वापस लाऊंगी। भाईजा, हम साई को कहाँ ढूंढेंगे? ना तो उसकी दिशा पता है ना गंतव्य। एक माँ का हृदय जानता है कि उसका बेटा कहाँ है। मेरी ममता मुझे उसके पास जरूर लेकर जाएगी। पीछे साई को रोकने के लिए द्वारकामाई से बाहर निकल रहे थे। जैसे ही द्वारकामाई से बाहर निकले वो गिर पड़े।
जाएगा। त्रंबक, साई, साई, अप्पा देखो, साई, 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 साई का, मैं पानी लेकर आता हूँ। साई, तुम कुछ भी मत बोलो, बस शांत रहो। त्रंबक, पानी। त्रंबक को घर लेकर चलते हैं। हाँ, आइए। चलो। बाबा, तुम घर जाओ। संभाल के। साई ने इन्हें नीम का काढ़ा तो पिलाया था, फिर भी ये ठीक क्यों नहीं हो रहे? साई ने इसके प्राण बचाए, लेकिन पकोड़े, नमक, इसके मिश्रण से इसके शरीर को जो क्षति पहुंची है, उससे उभरने के लिए इसे कुछ समय तो लगेगा ना। मैं तो कहती हूँ इन्हें हम कुलकर्णी सरकार के पास ले चलते हैं, वही हमें बताएंगे आगे क्या करना है। इंतजार भी तो नहीं कर सकते ना, कौन जाने साई लौटे ना लौटे। मैं जानती हूँ साई लौटेगा और वही हमें बताएगा कि हमें क्या करना है। मुझे लगता है कि हमें से कुछ लोगों को साई को ढूंढने के लिए निकलना चाहिए। जब तक साई की इच्छा ना हो, उन तक कौन पहुंच सकता है? और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि साई यहां से क्रोधित होकर नहीं गए, बल्कि उनके दिल को ठेस पहुंची है। जब जीवन में दुख का क्या देख रही हो भाईजामा? इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं मैं। वचन दो। मैं वचन देता हूं। ज्योत जला विश्वास मन का तुझको पार लगाए भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। क्या खीर है? साधना करू नकाशी लाड़ी घोड़ी 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 साजना करू नकाशी लाड़ी गोड़ी लाड़ी गोड़ी लाड़ी गोड़ी लाड़ी गोड़ी। अरे ओ क्या हुआ क्या हुआ, पानी नहीं है। हरिओम। ठीक इसी तरह त्रंबक भी बिना देखे पकोड़े खा गया था। वो तो सुवर्णा को देखकर ही अपनी सूझबूझ खो गया था। सरकार साई वाई सब भूल गया था। हरिओम हरिओम। तुम दोनों तो अभी ने भी निपुण हो। मतलब प्रतिभा जैसे कूट कूट के भरे है तुम दोनों के अंदर। हरिओम। जाओ, जो लड्डू बनाया ना वो अंता पंता को ला के दो। बहुत दिनों के बाद इन दोनों ने कुछ अच्छा काम किया है। हरिओम। क्या अच्छा काम किया? जितना कहा है उतना किया करो रुक्मिणी। जाओ। सरकार, वैसे त्रंबक के तेरवी में बायजाक का लड्डू तो बनवाएगी ना? मेरे
पगवाड़े के सामने मोर्चा बंदी हरिओ भाईजा, आपका को पाठ पढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था अंतापंता। स्त्रियों का इतना साहस समाज के लिए हानिकारक होता है, समझो समाज का पतन निश्चित। हरिओम। अब समझ जाएगी वो, उसका भाई मरेगा, पूरी शिरडी ये समझेगी कि उसके भाई की मृत्यु का कारण साई है, साई का उपचार है। हरिओम। 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 साई लौटे क्या? नहीं, हम भी उन्हीं की राह देख रहे हैं। बच्चों, जो यहां लिखा है उसे अपनी अपनी तख्ती में लिख लो। अध्यापक जी, क्या आपको पता है कि साई कहाँ गए हैं, वो कब आएंगे? कब आएंगे ये तो पता नहीं, पर आएंगे जरूर, इतना विश्वास है। साई की प्रतीक्षा में भी तो हम सब साई के साथ ही हैं ना। आप कौन? मैं साई। गुरुजी की आवाज कैसे सुनाई देने लगी? छा? लगता है साई ने फिर से चमत्कार किया। छा? छोड़कर कभी नहीं गया, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा है। कहाँ गया होगा साई?
वचन सिर्फ शब्द नहीं, संबंधों की नींव है, और ये संबंध ही समाज की आधारशिला। इसलिए जब कोई वचन टूटता है तो उसकी चोट सिर्फ संबंधों को नहीं, समाज को भी सहनी पड़ती है। ये बात समझने वाले रघुवंशी राजा राम थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता के वचन को भी नहीं टूटने दिया, मर्यादाओं का मान रखा, राजपाट छोड़ दिया, वनवास स्वीकार किया, लेकिन पिता के वचन का मान रखा। पर अब समाज में ऐसे राम क्यों नहीं मिलते, ऐसा त्याग क्यों नहीं दिखता? शायद सब स्वार्थी हो गए हैं, झूठ बोलने में किसी को डर नहीं लगता। अहम की दौड़ में संबंधों का हाथ छूटता जा रहा है। बाहर से तो सब साथ हैं, लेकिन अंदर से सब बहुत अकेले हैं, बहुत अंधकार में हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। सब बच्चे यहाँ देखकर दोहराएंगे, दोहराओ। पांच एकम पांच, पांच दुने दस। कितनी जोर जोर से रट रहे ये बच्चे, बस और नहीं सुन सकती। ये जो कर रहे हैं वो उनके विद्यार्थियों के हित में है। बस 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 शांत, सब बच्चे अपनी अपनी तख्ती निकालेंगे और उस पे ये पहाड़ा लिखेंगे और देखेंगे किसे याद हुआ है और किसे नहीं, ठीक है? आपने मेरे कारण बच्चों को लिखने के लिए कहा है ना? हाँ, मैंने तुमसे वादा जो किया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, और साई ने भी कहा है वादा करो तो उसे निभाओ। साई की कोई खबर? पानी, आपकी तबीयत खराब है इसीलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ आपकी तबीयत जल्द से जल्द अच्छी हो जाए। आपने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा भरोसा तोड़ा है उस तमाशा वाले के पास जाकर, लेकिन क्या करूँ, पत्नी हूँ ना आपकी, आपकी सेवा तो करनी ही है, चाहे आप इसके योग्य हो या ना हो। मुझे माफ कर दो गुणवंता, मैं
गरम तेल की मालिश करने से शरीर में गर्मी आएगी। गुणवंता, तुम इसके पास ही रहना। मैं खाना बनाने जा रही हूँ, उसके बाद द्वारका माई जाऊंगी साई के लिए खाना लेकर। साई को खाना खिलाने? लो कर लो बात। आपको कैसे पता चला कि साई लौट आए हैं? साई ज्यादा देर तक द्वारका माई से दूर नहीं रह सकता, क्योंकि वो जानता है कि मैं उसकी राह देख रही हूँ। मैं ही नहीं, पूरी शिरडी उसकी राह देख रही है। सुख दुख आने जाने हैं, धूप और बाबराए मनवा तेरा उलझ न जा, मन में आशा के दीपक बुझने न पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझा। गया वो जानता है कि इस समय मैं उसके लिए खाना लेकर आती हूँ। सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं आया ना साई? आप देखिएगा, जब वो वापस लौटेगा ना, मैं भी उससे बात नहीं करूंगी। कैसा दोस्त है, क्या कोई दोस्त बिना बताए कहीं जाता है? पर मैं तो उससे बात किए बगैर नहीं रह पाऊंगी। साई के बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। चलिए पंता जी, अंदर जाते हैं। हाँ। ये टूट जाएगा वहां से। कुछ दिखाई दे रहा है अंता जी? पंता जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। कहाँ गए सब लोग मातम मनाने? आप हटिए, मैं देखता हूँ। हाँ हाँ। पंता जी, जो मैं सुन रहा हूँ क्या वो ही देख रहे हैं? हाँ,
अंदर त्रंबक मरा पड़ा है और उसके शव के पास में केवल उसकी पत्नी है, पर बाकी के लोग कहाँ हैं? लगता है सब लोग खंडर गए हैं उस बैरागी को सबक सिखाने। अंता जी, गुणवंता अंदर चली गई है, हम शव को पास में जाकर देखते हैं। चलिए। जी, ये सच में मरा पड़ा है या ऐसे लेटा हुआ है? मैं देखता हूं। अरे तुम लोग, अच्छा त्रंबक का हालचाल पूछने आए हो? तुम दोनों को कैसे पता चला कि इसकी तबीयत खराब है? नहीं, सिर्फ तबीयत खराब है। नहीं, वो गांव वाले कह रहे थे ना, त्रंबक ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, साई ने इसे बिल्कुल ठीक कर दिया। तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो ना इसके, है ना? तभी तो हालचाल पूछने आ गए जल्दी जल्दी। यहाँ कहाँ बैठे हुए हो? यहाँ बैठो ना, बैठो, अच्छे से हालचाल पता करो। मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ, बैठो। अरे बैठो। बंता जी, अब क्या करेंगे? ये तो जिंदा है। बंता जी, मौका मिले ना तो इसे यही मार देते हैं। ये क्या है? पकौड़े। पकौड़े? हाँ, तुम लोगों को बहुत पसंद है ना, खुद भी खाते हो, दूसरों को भी खिलाते हो। खाओ। नहीं तो। नहीं नहीं नहीं। क्यों? नहीं तो का क्या मतलब? पकोड़े तो खाने ही पड़ेंगे। ये लो। पकोड़े? ये तो लाल मिर्च है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। ये लो। तलमुहो। तोड़ के रख दूंगी कुरकरनी के चमचे।
बुढ़िया ने कुछ कसर नहीं छोड़ी थी हमें अंधा करने की। वो दोनों सास बहू तो मानो झांसी की रानी हो गई है। पता नहीं कौन सी लाल मिर्ची थी, इतना रगड़ रगड़ के धोने से भी जलन नहीं जा रही। ये सोचकर परेशान हूँ कि कुलकर्णी सरकार को जब पता चलेगा कि त्रंबक मरा नहीं है, जिंदा है, तब क्या होगा? सरकार तो हमें मार ही डालेंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? कहाँ जा रहे हो? अरे भाई, साई से दवा लेने के लिए रुका था इतनी देर तक, लेकिन कब तक रुको? तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, पता नहीं साई कब तक आएंगे, जाके वापस आते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग तो कह रहे थे कि साई यहाँ किसी भी समय वापस आ सकते हैं। मैं तो यही सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि इतने लोग साई से इलाज कराने के लिए रुके हैं, अगर साई वापस आ भी गए तो क्या वो इलाज करेंगे? पर गांव वालों तो कह रहे थे कि साई ने कसम खाई है कि वो किसी को औषधि नहीं देंगे। क्या 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 क्या, साई अब किसी को दवा नहीं देगा? जी हाँ। जी, त्रंबक की तबीयत बिगड़ने के बाद से ढोंगी ने ये निर्णय लिया है कि वो अब किसी को भी औषधि नहीं देगा, और तो और शिरडी भी छोड़कर चला गया है साई। अगर ये खबर सरकार को हमने दी तो हो सकता है हमारी जान बच जाए, और अगर हम साई के पास आए मरीजों को सरकार के पास ले जाए तो सोचिए सरकार हमें वो इनाम देंगे जो उन्होंने आज तक नहीं दिया। कैसे सोच लेते हैं आप इतना सब कुछ पंडित जी? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? जी अपने घर। पर तुम तो साई से इलाज करवाने आए थे ना? लेकिन साई तो है नहीं। साई नहीं है तो क्या हुआ, कुलकर्णी सरकार तो है ना, और वैसे भी शिरडी के एकमात्र वैद्य है वो। लेकिन कुलकर्णी सरकार तो बहुत पैसे लेते हैं। लो अंता जी, मुफ्त में इलाज करके जान जाए ये चलेगा ही नहीं, लेकिन पैसे देकर जान बचाना ये इन्हें मंजूर नहीं है। अरे साई कोई वैद्य थोड़े ना है। क्या साई वैद्य नहीं है? साई वैद्य? अरे वो मरीजों को सांप का जहर दे देता है। अरे हमने तो ये भी सुना है कि वो इलाज के नाम पे घास फूस पत्ते देता है लोगों को। और नहीं तो क्या, तुम्हें जो करना है वो करो, जाओ। हम लोग तो वैसे तुम्हारी भलाई के लिए कह रहे थे। सही कह रहे हो भाई, मैं तो कुलकर्णी सरकार के पास ही जाऊंगा। तुम दोनों क्या सोच रहे हो, चलो हमारे साथ। साई के इलाज करने का अंदाज अलग जरूर है, पर हमने साई के उपचार के बारे में बहुत कुछ सुना है। हमारे गांव में मोटू मल को नींद न आने की बीमारी थी, पर साई ने उसे बिना दवा के ठीक कर दिया। आप लोगों को जाना है तो जाओ, मैं तो अपना इलाज साई से ही करवाऊंगा। तुम्हारी मर्जी, शाम को अगर तुम वापस आए और साई ना मिले तो आ जाना कुलकर्णी सरकार के पास तुम्हारे इलाज के लिए। चलो कुलकर्णी सरकार के पास इलाज के लिए, हम आते हैं थोड़ी देर में। जी बाबू। उन्हें रास्ता दो।
मैंने कहा जाने दो। तुमने साई, मैं यहां से तभी जाऊंगी जब तुम
माँ की इतनी चिंता है, फिर भी माँ के सामने नहीं आ रहे हैं। प्रसाद लीजिए। जय खंडोबा। प्रसाद दीजिए। अरे भाई साहब का, आपका भाई यहां, लीजिए प्रसाद लीजिए। कि साई जंगल में, मैं जानती हूं वो जंगल में, उसी ने मुझे बचाया, वही था वो। आप सच कहते थे महालसा पति जी, गहरी ठेस पहुंची है उसके मन को, दर्द से तड़प रहा है मेरा बेटा, इसलिए वो सबको छोड़ के चला गया, क्यों जाने दिया उसे। इस तरह दुखी ना हो बायसा मां, तुम तो समझो मुझे, मैं अभी नहीं आ सकता। सकता है वो सबसे दूर जाना चाहता, लेकिन अपनी माँ से दूर नहीं जा सकता। माँ की ममता उसे वापस लाएगी, जरूर लाएगी। अगर वो दृढ़ है तो मैं उससे अधिक दृढ़ हूं, क्योंकि उसकी माँ हूं मैं।